हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एसटीटी जीके का महामैराथन क्लास चलने वाला है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके करंट में बीपीएससी का और आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चलने वाला है, जो कि उसके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से। स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका इस एसटीटी के पार्ट से आपका ना छूटे। तो देखिए पहले नेशनल पार्क पहले जान लेते हैं हम। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा आपका नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, आपको पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका नेशनल पार्क किस राज्य में है तो आपका एमपी में है, ठीक है। और पूछा है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तो महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जबकि राष्ट्रीय पार्क का गठन जो है विशेष प्रकार की शरणस्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। तो राष्ट्रीय पार्क जो होता है आपका नेशनल पार्क में जो आपके किसी भी प्रकार का जो है अधिवास मतलब और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। नेशनल पार्क में जो होता है मानवीय गतिविधि और किसी प्रकार का अधिवास मतलब रहने के लिए नहीं होता है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने का जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होती है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति होती है, जबकि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है मानव गतिविधि की अनुमति होती है, गतिविधि की, जैसे नेशनल पार्क में जो होता है गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आपका शिकार जो है अनुमति के बिना जो है निषिद्ध है मतलब आप बैन है। हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क में शिकार और चराई पूरी तरह से जो है निषिद्ध है। आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है कोई भी शिकार जो है मतलब आगे मतलब किसी से शिकार जो आप शिकार की अनुमति के बिना मतलब अनुमति के बिना जो निषिद्ध है, लेकिन अनुमति दे देगा तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो शिकार कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल निषिद्ध है, मतलब पूरी तरह से बैन, यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हैं। और चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति नहीं है नेशनल पार्क में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अनुमति है। तो ये दो डिफरेंस आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और एक वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है नेशनल पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन एक नेशनल पार्क को जो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। जबकि एक राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका पूछा जा सकता है सवाल कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का मतलब कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए जो है राज्य सरकार जो है केवल आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए जो है राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। ओके, बस ये छोटी सी ब्रीफ जानकारी थी, आई होप आपको समझ के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार में कितने नेशनल पार्क हैं। अंडमान निकोबार में देखते हैं सबसे पहले कितने नेशनल पार्क हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, आपके मेरा नेशनल पार्क है। पहले देखिए आपको बताते हैं, पहले कौन सा आपका सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, तो अंडमान निकोबार में है। और दूसरा क्या आपका महात्मा गांधी मरीन इसको बंदूर कहते हैं नेशनल पार्क। तो देखिए क्या है, एक गलथिया नेशनल पार्क है आपका, और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है आपका और कैंपबेल बे नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में आपका, और माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी जो आपका अंडमान निकोबार में। काफ़ी एग्जाम पूछा गया कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य में है आपका, सॉरी किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में आता, तो कहाँ पे अंडमान निकोबार में है, ठीक है।
और देखते हैं कौन कौन से हैं। और रानी झांसी, और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, ये भी आपका अंडमान निकोबार में, कहाँ पे ये आपका, ये भी आपका अंडमान निकोबार में, ये भी कहाँ आपका अंडमान निकोबार में, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और सैंडल पिक आपको बताया गया था, सैंडल पिक नेशनल पार्क कहाँ, तो ये भी अंडमान निकोबार में। और मिडल बटन आयरलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये भी आपका अंडमान निकोबार में। और नेशनल बटन आयरलैंड नेशनल पार्क भी कहाँ आपका, अंडमान निकोबार में। और साउथ बटन आयरलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, तो ये भी आपका अंडमान निकोबार में। तो देखिए अंडमान निकोबार में कौन कौन से है, तो पहला क्या है, गलथिया नेशनल पार्क है, फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, फिर कैंपबेल नेशनल पार्क है, फिर माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, और फिर क्या है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, फिर सैडल पिक नेशनल पार्क है। सैडल पिक तो सिंपल याद रख सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पिक, तो उसे याद रख सकते हैं। और मिडल बटन आयरलैंड नेशनल पार्क है, जितना भी आपका मिडल, जितना भी बटन, जितना भी शब्द में बटन आपको मिले, तो वो कहाँ पे आपका, तो वो अंडमान निकोबार में, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो सिंपल है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। अब देखते हैं, चलिए दूसरा राज्य में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है आपके, तो देखिए आंध्र प्रदेश में आपका कौन है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी जिसको कि रामेश्वर नेशनल पार्क कहते हैं, तो ये तीन नेशनल पार्क आपका कहाँ आंध्र प्रदेश में, तो पहला क्या पापीकोंडा नेशनल पार्क है, फिर क्या श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम क्या था आपका, रामेश्वरम नेशनल पार्क था, इसका पहले नाम क्या था, रामेश्वरम नेशनल पार्क, अब क्या हो गया, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो टोटल क्या है आंध्र प्रदेश में, कई वो पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको बताना भूल गए थे, कि इसमें जो साउथ बटन नेशनल पार्क जो है आपका, साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है, ये जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क जो आपका अंडमान निकोबार में, यह जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और अब पूछा जाए यूटी में, कि यूटी में जो है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, लेकिन राज्य पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश बता दिया गया था, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और राजीव गांधी। तो आंध्र प्रदेश में कितने थे, पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है, तीन। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क और क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। तो कौन सा, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे आपके, अरुणाचल प्रदेश में है। अब चलिए आते हैं असम राज्य की तरफ, तो असम में देखिए कितने आपके नेशनल पार्क है, तो नामेरी नेशनल पार्क आपका कहाँ असम में है, और मानस नेशनल पार्क कहाँ आपका असम में है, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ आपका, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तो ये भी आपका असम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी असम में है, और ओरांग नेशनल पार्क कहाँ, ये भी आपका असम में है, और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ, ये भी आपका असम में है। दिहांग पटकाई काफ़ी एग्जाम पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ आपका, असम में। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश मार्क आते हैं, जो कि गलत है। तो दिहांग पटकाई आपका नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, तो ये भी आपका असम में है। और रायमोना नेशनल पार्क कहाँ आपका, असम में। और सबसे लेटेस्ट जो आपका असम में बना है, यही है रायमोना नेशनल पार्क। तो ये याद रखने को रिपीट कर देते हैं, तो असम में कौन सा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा याद रख सकते हैं, क्योंकि असम में जो सबसे बड़ी चोटी जो आपका है, काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा है, तो उसे याद रख सकते हैं। ओरांग नेशनल पार्क याद रख सकते हैं, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, और रायमोना नेशनल पार्क। सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है, रायमोना नेशनल पार्क, तो ये याद रख सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में कितने नेशनल पार्क है, तो बिहार में मात्र एक ही नेशनल पार्क है आपका, कौन है वो, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये कहाँ आपका, वेस्ट चंपारण में, कहाँ आपका, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ आपका, पश्चिमी चंपारण में है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क, तो छत्तीसगढ़ में देखिए तीन नेशनल पार्क है आपका, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, और कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में है, कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में। इसका नाम क्या होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क,
तो गुरु संजय गांधी नेशनल पार्क पूछा जा सकता है या गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कहाँ आपका छत्तीसगढ़ में है। अब चलिए आते हैं गोवा में नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक गोवा में देखिए एक ही नेशनल पार्क है आपका भगवान महावीर, जिसको कि मौलियम नेशनल पार्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मौलियम नेशनल पार्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मौलियम नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? महावीर नेशनल पार्क। ये कहाँ आपका? गोवा में। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ आपका? गोवा में, जिसको क्या? मौलियम नेशनल पार्क भी कहते हैं। चलिए आप देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है आपका? पहला तो गिर नेशनल पार्क है, यहीं पे एशियाई शेर जो है पाया जाता है। तो गुजरात में क्या गिर नेशनल पार्क है? अब ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी गुजरात में है। अब बंसडा नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी गुजरात में। बंसडा नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी गुजरात में। अब मरी नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी गुजरात में। अब मरी नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये गुजरात में है। अब देख लेते हैं हरियाणा नेशनल पार्क। तो हरियाणा दो नेशनल पार्क आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कालेश्वर नेशनल पार्क है। तो हरियाणा में दो नेशनल पार्क है आपके, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कौन सा? कालेश्वर नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा। आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है आपका पीन बेली नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश में, और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में। और इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। और खीर गंगा कहाँ आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो पिन बेली नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क आपका और इंद्र किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज भी करते हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर में है डचिगम नेशनल पार्क कहाँ आपका? डचिगम नेशनल पार्क कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी जम्मू कश्मीर में, काजीनाग। और जितने शब्द में जो आपका नाग आएगा, नेशनल पार्क में, वो सारे कहाँ पे हैं? तो वो जम्मू कश्मीर में है, जैसे काजीनाग हो गया इत्यादि। जितने नाग हैं सभी कहाँ आपके? जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क हैं। देखते हैं लद्दाख में क्या आपका? हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में क्या है आपका? हेमिस हाई नेशनल पार्क। तो लद्दाख में कौन सा है? हेमिस हाई नेशनल पार्क। और आपका जो हेमिस हाई नेशनल पार्क जो आपका, यह भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ठीक है, एक जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा आपका डचिगम नेशनल पार्क जो है आपका, डाचीग्राम नेशनल पार्क जो आपका, ये एकमात्र पार्क है जहाँ कश्मीरी महामृग जो हंगुल पाया जाता है, यह एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाया जाता है, डाचीग्राम नेशनल पार्क में। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अब देखते हैं झारखंड में। तो बेतला झारखंड में क्या है? बेतला नेशनल पार्क कहाँ आपका? झारखंड में। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है आपका, कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये झारखंड में है। और आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिए आप, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ आपका? कर्नाटक में है। और आंसी नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये कर्नाटक में। और आंसी नेशनल पार्क कहाँ आपका? कर्नाटक में है। बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर? कर्नाटक। बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर? कर्नाटक में। और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ आपका? कर्नाटक में। और कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी कर्नाटक में है। और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ आपका? कर्नाटक में। इसका नाम क्या हो गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये भी कर्नाटक में है। अब देखते हैं केरल के नेशनल पार्क। तो एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में है। और माथिकेट्टन सोला नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में है। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ आपका? ये केरल में। ये जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ आपका? यह भी केरल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में है। और अनायमुडी सोला नेशनल पार्क कहाँ आपका? यह भी केरल में। अनायमुडी सोला नेशनल पार्क कहाँ आपका? केरल में है। और पाम
पम्बाडम 16 नेशनल पार्क कहाँ पर, यह भी केरल में। पम्बाडम 16 नेशनल पार्क कहाँ का, यह भी केरल में है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ का, यह भी मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में। इसका क्या नाम, प्रियदर्शनी। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में है। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह मध्य प्रदेश में है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह मध्य प्रदेश में। अब पन्ना नेशनल पार्क कहाँ का, यह मध्य प्रदेश में है। और संजय नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में है। और सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह मध्य प्रदेश में है। और माधव नेशनल पार्क कहाँ का, यह मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ, मध्य प्रदेश में। अब वन विहार नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ का, मध्य प्रदेश में। बहुत लोग क्या करते हैं, सब गलती करते हैं, लोग बिहार मार के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, बिहार शब्द है, लेकिन ये कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। और मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ का, ये भी मध्य प्रदेश में। और मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ का, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं महाराष्ट्र का नेशनल पार्क, तो महाराष्ट्र के नवे गाँव नेशनल पार्क कहाँ आपका, महाराष्ट्र में। नवे गाँव नेशनल पार्क कहाँ का, महाराष्ट्र में है। और संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या, बोरीवली नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क या बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ का, महाराष्ट्र में है। और चंदोली नेशनल पार्क कहाँ आपका, महाराष्ट्र में। और गुगामल नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह भी महाराष्ट्र में। गुगामल नेशनल पार्क कहाँ का, यह महाराष्ट्र में है। और तदोबा नेशनल पार्क कहाँ का, यह भी महाराष्ट्र में है। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ का, महाराष्ट्र में। पेंच आपका एक कहाँ था आपका, मध्य प्रदेश में था। और दूसरा पेंच कहाँ आपका, महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है पेंच नेशनल पार्क। अब मणिपुर में देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क है आपके, मणिपुर में देखिए कौन सा है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ आपका, मणिपुर में। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ आपका, मणिपुर में है। और केबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ आपका, मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क, केबू लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ आपका, मणिपुर में। केबू लामजाओ जो आपका लोकटक झील में है, केबू लामजाओ जो आपका लोकटक झील में, केबू लामजाओ जो झील आपका कहाँ, लोकटक झील में। और यहाँ पर डांसी डियर पाया जाता है, मतलब संघाई हिरन कहाँ पर, केबू लामजाओ नेशनल पार्क में पाया था। केबू लामजाओ नेशनल पार्क में आपका संघाई हिरन पाया जाता है, डांसी डियर। आई कहाँ, लोकटक झील में स्थित है। अब देखते हैं मेघालय, मेघालय में देखिए दो गो है। एक बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ का, मेघालय में है। और नौकरिक नेशनल पार्क कहाँ का, मेघालय में। एक बाल फक्रम नेशनल पार्क और नौकरिक नेशनल पार्क कहाँ का, मेघालय में है। अब देखते हैं मिजोरम में, मिजोरम में देखिए क्या, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ का, मिजोरम में। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ का, मिजोरम में। और फवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ का, मिजोरम में। फवंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ का, मिजोरम में है। अब देख लेते हैं नागालैंड का, तो नागालैंड में क्या है, नाग टंकी नेशनल पार्क कहाँ का, नागालैंड में। टंकी नेशनल पार्क कहाँ का, नागालैंड में। टंकी नेशनल पार्क कहाँ का, नागालैंड में है। अब देखते हैं ओडिशा का, ओडिशा में देखिए क्या, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ का, ओडिशा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ का, ओडिशा में। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ का, ओडिशा में है। और नंदनकाना नेशनल पार्क कहाँ का, ये भी ओडिशा में है। ये पूछा गया था आपका एनटीपीसी में, से याद रखिएगा। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ का, ओडिशा में है। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ, ओडिशा में। नंदनकाना नेशनल पार्क कहाँ का, ये भी ओडिशा में है। आप देख लेते हैं पंजाब में नेशनल पार्क, अबोहर नेशनल पार्क कहाँ आपका, पंजाब में है। और हरिके बैटलैंड कहाँ पर आपका, पंजाब में है। और झज्झर बचौली नेशनल पार्क कहाँ आपका, पंजाब में है। और बीर मोती बाग नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह पंजाब में है। और बीर बाढ़सन नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह भी पंजाब में है। और महेंद्रा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर आपका, यह भी आपका पंजाब में है। अब देखते हैं राजस्थान का, देखते हैं तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ आपका, राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ आपका, राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ आपका, राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ आपका, राजस्थान में है। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ आपका, राजस्थान में। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ आपका, राजस्थान में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ आपका, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ आपका, तो राजस्थान में। तो डेजर्ट से हम याद रख सकते हैं, डेजर्ट में क्या, मरुस्थल कहाँ पे है, तो राजस्थान में। तो इसे याद रख सकते हैं। केवला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी आपका राजस्थान में। तो ऐसे याद रख सकते हैं। और रणथंभौर से याद रख सकते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क सारे कहाँ, राजस्थान में। सिक्किम में देखिए एक नेशनल पार्क है आपका, खंग चेंड जोंगा नेशनल पार्क। खंग चेंड जोंगा नेशनल पार्क कहाँ आपका, सिक्किम में। खंग चेंड जोंगा
नेशनल पार्क आपका सिक्किम में है। अब देखते हैं तमिलनाडु में, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ आपका तमिलनाडु में है, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ आपका तमिलनाडु में है, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ आपका तमिलनाडु, जिसका नाम क्या अन्नामलाई नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ आपका तमिलनाडु में है, गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ आपका, गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ आपका यह भी तमिलनाडु में है, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ आपका, यह भी तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ आपका तमिलनाडु में है, और पलानी हिल्स नेशनल पार्क कहाँ आपका यह भी तमिलनाडु में है। अब देखते हैं तेलंगाना, काशी ब्रह्मनंदन रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ आपका, काशी ब्रह्मनंदन नेशनल पार्क कहाँ आपका तेलंगाना में, महावीर हरिना बनस वन स्थली नेशनल पार्क कहाँ आपका तेलंगाना में, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क कहाँ आपका तेलंगाना में है, मुरुगवानी नेशनल पार्क कहाँ आपका यह भी तेलंगाना में है। अब देखते हैं त्रिपुरा का नेशनल पार्क, तो बिशोन नेशनल पार्क कहाँ आपका त्रिपुरा में है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ आपका त्रिपुरा में, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ आपका त्रिपुरा में है, तो ये क्लाउडेड वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ आपका उत्तर प्रदेश में है। आप देखते हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड में कौन सा है, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ उत्तराखंड में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का अब नाम क्या हो गया आपका, अब नाम हो गया राम गंगा नेशनल पार्क, राम गंगा नेशनल पार्क, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था, इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था उस टाइम, क्या था, हेली नेशनल पार्क था। और भारत का जो सबसे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है आपका, यही जिम कार्बेट नेशनल पार्क, पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, अब जिम कार्बेट से अब फिर नाम चेंज हो गया, क्या हो गया आपका, राम गंगा नेशनल पार्क, इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था, अब भारत का ये पहला नेशनल पार्क था, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार कहाँ आपका उत्तराखंड में है, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी उत्तराखंड में है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ आपका, ये भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ आपका उत्तराखंड में, नंदा देवी जो पहाड़ आपका कहाँ उत्तराखंड में, उसे याद रख सकते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ आपका उत्तराखंड में है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क, देखिए बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ आपका पश्चिम बंगाल में है, और नियोरा वैली नेशनल पार्क कहाँ आपका ये पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ आपका ये पश्चिम बंगाल में है, सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ आपका ये पश्चिम बंगाल में है, और जलदापड़ा नेशनल पार्क कहाँ आपका ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ आपका ये भी पश्चिम बंगाल में है,